वेलकम टू अनकॉमन आइडिया। रियलमी मोबाइल यूजर के लिए लेके आया कुछ हिडन सीक्रेट ट्रिक्स। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फोन अपने हाथ पे ले लो। ट्रिक्स नंबर वन, तो इसके बाद अपना फोन का शटर है उसको डाउन कीजिए। डाउन करने के बाद इसको ऐसे बड़ा करने के बाद जो इधर दिख रहा है वन हैंडेड मोड दिख रहा है ना, इस वन हैंडेड मोड को एक्टिवेट करना होगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा एक हाथ पे जब मोबाइल लेता है ना तो एक हाथ पे मोबाइल यूज़ करने में बहुत इजी होता है। जैसे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ मोबाइल यूज़ करना एक हाथ पे बहुत इजी हो जाता है वन हंड्रेड मूट के। तो मोबाइल को देखिए, देखिए डिस्प्ले स्प्लिट होकर कितना छोटा सा साइज हो गया। ट्रिक्स नंबर टू, तो दोस्तों सबसे पहले अपना सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद इधर जो दिख रहा है ना क्लोन ऐप्स, उसके बाद जाना होगा व्हाट्सएप इनेबल ऐप क्लोनिंग। तो मैंने ऐप क्लोनिंग ऑन करके दिया। तो इसके बाद देखो मेरा जो एक व्हाट्सएप था दो दूसरा व्हाट्सएप खुल गया। तो क्लोन करने से मल्टीपल और एक अकाउंट ओपन हो जाता है। ट्रिक्स नंबर थ्री, स्मार्ट ड्राइविंग ऑन करने अपने शटर को डाउन कीजिए। तो उसके बाद इधर टैप कीजिए। टैप करने के बाद ए पेज जो बड़ा सा साइज हो गया, उसके बाद स्मार्ट ड्राइविंग को इनेबल करना होगा। स्मार्ट ड्राइविंग से क्या होता है, आप जब ड्राइविंग करते हो तो उस वक्त पे बहुत काम आता है। तो अब ये मुझे काम नहीं आएगा तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ट्रिक्स नंबर फोर, मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन। तो अपना शटर डाउन करने के बाद इस पेज पे मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन का जो बटन है उसको प्रेस करके इस तरफ इनेबल करना होगा। इससे क्या होता है, इससे देखिए ये डिवाइस सर्चिंग हो रहा है। तो इससे अपना मोबाइल को कोई टीवी से, टीवी बॉक्स नहीं तो कोई वायरलेस डिस्प्ले के साथ कनेक्ट किया जाता है। ट्रिक्स नंबर फाइव, स्मार्ट स्क्रीन शॉट। तो सबसे पहले अपना सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद इधर देखना होगा स्मार्ट कनेक्टिविटी। तो उसके बाद गेस्टर एंड मोशन, उसके बाद थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट को इनेबल करना होगा। ट्रिक्स नंबर सिक्स, ऐप स्प्लिट स्क्रीन। इससे डिस्प्ले दोनों तरफ भाग हो जाता है। देखिए सेटिंग्स पे जाने के बाद एकदम नीचे पे आइए, उस तरफ ऐप स्प्लिट स्क्रीन इसको इनेबल कर दीजिए। मेरा इनेबल ही है। तो इससे क्या होता है, ऊपर एक काम होता है डिस्प्ले का और नीचे की तरफ और एक काम होता है। तो देखिए मेरा यूट्यूब ओपन किया तो देखिए ऊपर यूट्यूब चल रहा है। तो देखिए ये डिस्प्ले दोनों तरफ भाग हो गया, ऊपर की तरफ यूट्यूब चल रहा है, नीचे की तरफ देखिए मैंने और एक गूगल को ऑन कर दिया। तो इससे दोनों ऐप्स का काम एक साथ हो जाए। ट्रिक्स नंबर सेवन, दोस्तों यह सबसे अच्छा और यह सीक्रेट ट्रिक्स। सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद ऊपर जो सर्च बॉक्स है इधर कैमरा टाइपिंग करके सर्च करें। उसके बाद जो कैमरा का सेटिंग्स है उधर वाटरमार्क ऑन करने के बाद इधर देखिए नेम का एक ऑप्शन है। इधर जो भी लिखना चाहते हो लिख दो। तो उसके बाद क्या होता है, फ़ोटो खींचने के बाद फ़ोटो के ऊपर एक वाटरमार्क आ जाता है। मैं दिखा रहा हूँ देखो एक फ़ोटो खींच के। तो देखिए मैंने एक फ़ोटो खींचा, उसके बाद देखो फ़ोटो के ऊपर मैंने मेरा नाम सेट किया था सनत सरकार। तो देखिए इधर आ गया शॉर्ट ऑन रियल में E1 बाय सनत सरकार। ट्रिक्स नंबर एट, स्मार्ट की। तो सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में स्मार्ट एंड कॉन्वीनिएंट। तो उसके बाद नेविगेशन की। तो नेविगेशन की के बाद
जो इधर देख रहे हैं हमारा बैक स्विच जो दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ भी आ सकता है, बाएं तरफ से दाएं तरफ भी जा सकता है। तो इसको देखिए, और वर्चुअल एलिवेशन की इस ऑप्शन को ऑन करने से हमारा ये स्विच हाइड हो जाता है। ट्रिक्स नंबर 9, स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मेरा ये पैनल शटर डाउन किया तो उसके बाद देखिए इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसको इनेबल करने से स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। मोबाइल यूट्यूबर के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत काम आता है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो क्योंकि दूसरा वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।